हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल EIQ। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि बेसिक केमिस्ट्री से है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर दो वीडियो अपलोड किया है, और इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट तो मैंने समझाया ही है, प्लस कुछ बेसिक्स बातें भी बताई हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को समझने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो इन दोनों वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जा करके क्लिक करके देख लीजिएगा। अब जो भी मैंने बताया है उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि जो भी न्यू आदमी है उनको समझ में आए। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो तरह के हैं। सबसे पहला है हमारा लिविंग थिंग, दूसरा है हमारा नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं चेयर का। तो चेयर को यानी इस कुर्सी को कहीं पे भी आप रखिएगा तो ये एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका अपना एक मास होगा यानी अपना भार होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना एक स्पेस होता है और अपना एक मास होता है उसको हम लोग कहते हैं मैटर, ठीक है। और मैटर जो होता है इस पूरे वर्ल्ड में तीन स्टेट में पाया जाता है। सबसे पहला हमारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। सॉलिड अलग होता है यानी सॉलिड का प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड का प्रॉपर्टी अलग है, गैस का प्रॉपर्टी अलग है। तो इनका प्रॉपर्टी अलग होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है इनके अंदर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वुड का। वुड यानी लकड़ी, तो लकड़ी एक तरीके से हमारा सॉलिड है। और इसको अगर आप जूम करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। तो इस लकड़ी के टुकड़े को अगर आप जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर हमारा होता है मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। तो सॉलिड के अंदर जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है ये आपस में बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है यानी बॉन्डेड रहता है। इसीलिए सॉलिड जो होता है अपने आप में बहुत ही हार्ड होता है, इसको आप तोड़ना चाहिएगा तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। वही अगर लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में एग्जाम्पल लेते हैं पानी का यानी वाटर का। तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये आपस में दूर दूर होता है, ठीक है। इसीलिए इस लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। अगर आप इसको ग्लास में रखिएगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आप इसको दूसरे डिज़ाइन के शेप सेल में रखते हैं तो वो उस तरीके में ढल जाएगा। वही हमारा जो लास्ट है ये है गैस। तो गैस का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है ये फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। फ्री स्टेट कहने का मतलब इसमें कोई बाउंडिंग नहीं होता है, आपस में जुड़ा नहीं रहता ये। इसीलिए अगर आपका कोई रूम है, ठीक है, आप किसी रूम में रह रहे हैं, तो अगर आप एक छोटे से केन में जिसमें गैस भरा उसको अगर आप खोल दीजिएगा तो ये पूरा रूम में पूरा फैल जाएगा यानी पूरा रूम एक्यूपाई कर लेगा ये, ठीक है। जैसे हमारा LPG होता है घर में, जो हम लोग LPG यूज़ करते हैं, इस LPG में अगर थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो क्या होता है, पूरा घर में वो फैल जाता है जिसके चलते पूरा घर स्मेल करने लगता है, ठीक है। तो गैस का यही प्रॉपर्टी होता है, इसके चलते हमारा ये पूरा पूरा फैल जाता है, ठीक है। और गैस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करके रखते हैं। क्योंकि कॉम्प्रेस करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका मैंने भी बताया मॉलिक्यूल जो होता है फ्री होता है, इसको अगर आप खुले एरिया में छोड़ दिए तो हर जगह ये फैल जाएगा। इसीलिए जो भी हमारा LPG होता है उसमें कॉम्प्रेस किया जाता है, और कॉम्प्रेस करने का यही है कि इसमें मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्प्रेस हो गया इसका मतलब मॉलिक्यूल जो हो गया बहुत ही पास पास आ गया, ठीक है। इसीलिए अगर इसको आप थोड़ा सा भी इनलेट देते हैं यानी थोड़ा सा भी जगह देते हैं बाहर निकलने का तो ये बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर आता है, जिससे हमारा पाइप में यानी अगर LPG की बात करते हैं तो जो हमारा पाइप होता है वहाँ से ये गैस ऊपर चढ़ करके फिर हमारा जो भी हमारा ये चूल्हा होता है वहाँ तक जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल्स को अगर आप और जूम करके देखते हैं तो ये बना होता है एटम से, और एटम को भी अगर आप और जूम करके देखते हैं तो ये बना होता है हमारा तीन पार्टिकल से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है एटम के अंदर एक जगह रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। अब एक चीज़ और देखिए, कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल एटम से बना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, तो ये मान लेते हैं मेरे पास ये कॉपर का टुकड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखिएगा तो इसमें क्या है, हमारा छोटा छोटा एटम से मिल करके ये बना होगा ये कॉपर, ठीक है। आपस में जुड़ जुड़ के मिलियंस, ट्रिलियंस, हेक्सिलियन एटम होंगे इसके अंदर कॉपर के, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही होंगे। तो कोई भी सब्सटेंस जो सिंगल एटम से मिलकर के बना होता है इसको कहते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस, नहीं तो फिर एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया,
कार्बन हो गया, इसी तरीके से ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत रखा है, यानी पीरियोडिक टेबल में जितना भी हमारा 118 एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं ना इसको, तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हमारा ये नेक्स्ट है मोर देन वन एटम, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, ब्रास, ब्रास यानी पीतल, तो पीतल बना होता है कॉपर से और जिंक से। तो अगर यहाँ पे मैं समझाऊँ इसको, ये मान लेते हैं मेरे पास एक ब्रास का टुकड़ा है, तो इसमें अगर आप जूम कीजिएगा तो इसमें हमारा दो डिफरेंट एटम होगा, ये रेड से मान लेते हैं हमारा कॉपर है, ठीक है, यानी कॉपर भी होगा, कॉपर का भी होगा, कॉपर की संख्या ज़्यादा होता है, 80% होता है, तो कॉपर की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगा कॉपर के एटम का। और अगर यहाँ पे मैं ग्रीन से दिखाऊं, देखिए ब्लू से दिखाऊं, तो ये होगा हमारा जिंक का, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, दो एटम है, कॉपर का भी एटम है और हमारा जिंक का भी एटम है। इसी के चलते इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड, नहीं तो फिर मिक्सचर। और ये एक तरीके से हमारा मेटल है, तो मेटल को हम लोग कहते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब दो एटम से, यानी दो अलग अलग मेटल से बना हुआ जो हमारा नया ये मेटल बनता है उसको कहते हैं एलॉय। तो एक तरीके से ये हमारा मिक्सचर हो गया और ये हमारा हो गया प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी। देखिए डेंसिटी बराबर होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी, दोनों का सेम साइज़ है, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, दोनों सेम साइज़ का है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है, 1 मीटर हाइट है। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ से हमारे क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी कंटेनर ए का भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और कंटेनर बी का भी हमारा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर ए में हमारा क्या रखा है, आयरन रखा हुआ है, यानी लोहे का ढेर सारा टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा 100 आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, यानी भरा हुआ ही कंटेनर है, बस इतना समझिए आप। और वही हमारा जो कंटेनर बी है इसके अंदर हमारा कॉटन यानी रुई रखा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है रुई से। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारा ये जो कंटेनर ए है इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका यहाँ पे हम लोग वेट मान लेते हैं ये है 1000 kg, और वही इसकी बात करते हैं, इस कंटेनर के वेट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो वेट होगा ये बहुत ही कम होगा, इसका मान लेते हैं हम लोग 50 kg, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि आयरन का वेट क्यों बढ़ा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा बढ़ेगा ही, लेकिन क्यों बढ़ा, ऐसा क्यों होता है। तो आयरन हमारे क्या एक तरीके से सॉलिड है, तो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही पास पास बंधे होते हैं, ठीक है, और आपस में बहुत ही टाइटली यानी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होता है इन लोगों के बीच में। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं हमारा दो रूम है सेम साइज़ का, रूम ए और दूसरा रूम बी, साइज़ हमारा दोनों रूम का सेम है। एक रूम में यानी रूम ए में जो आदमी है ये आपस में बहुत ही पास पास खड़े हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है इस रूम में यानी रूम ए में बहुत सारे आदमी एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 500 आदमी खड़े हैं इस रूम के अंदर। वही रूम बी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो आदमी है ये कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, इस बी वाले रूम में बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 200 पीपल्स जो हैं यहीं पे खड़े हैं टोटल। तो यहाँ पे ये जो हमारा आयरन है, तो आयरन में हमारा एक तरीके से ये ए वाला एग्जांपल हो गया, ये जो रूम ए का एग्जांपल दिया ना उसी तरीके से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा पास पास मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स हमारा बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप यहाँ से एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं, यहाँ से बाहर निकाल करके इसको आप जूम करके देखिएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटम, ठीक है। और इस एक मॉलिक्यूल्स को बनाने में इसके अंदर लाखों करोड़ों एटम मिल करके, यानी इस
एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, और एटम है तो एटम का अपना एक मास होता है, ठीक है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, खासकर जैसे यहाँ पे सिंपल सा कार्बन लेके चलते हैं, तो कार्बन का कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे हमारा लिखा रहता है सी कैपिटल में, नीचे में लिखा रहेगा आपका कार्बन, और यहाँ पे लिखा रहता है हमारा एटॉमिक नंबर 6, और इसके नीचे में लिखा रहता है एटॉमिक मास, ठीक है। ये होता है, देखिए ये हमारा 12.011। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू लिखा रहता है ना, ये हमारा मास होता है, यानी एक एटम का मास होता है, कार्बन का ही मास है। तो इस एटम के अंदर, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर लाखों एटम है, एटम का अपना मास होगा, तो उस तरीके से इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ढेर सारा एटम है, ढेर सारा एटम है तो इसमें वेट भी होगा बहुत ही ज़्यादा, यानी इसका जो वेट होगा ये भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आप बस ट्राई कीजिए समझने के लिए, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। इसी के चलते आयरन जो होता है भारी होता है, ठीक है। इसका 1000 kg वेट मैंने मान लिया। अब वही कॉटन की बात करते हैं, तो कॉटन कॉटन में जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है ये दूर दूर पे है, ठीक है। यानी ये रूम बी वाला एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स कम है, मॉलिक्यूल्स कम है इसका मतलब हमारा इसके अंदर एटम कम है, और एटम कम है इसी के चलते हमारा वेट कम हो गया, ठीक है। इस सेम एरिया के लिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे, डेंसिटी पे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हमारा मास क्या है, यहाँ पे आयरन के लिए लेके चलते हैं, ये जो केस चल रहा है हम लोग का, ये आयरन के लिए है, यानी अभी हम लोग आयरन का डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो आयरन का मास कितना है हमारी, हमारा 1000 kg, और वॉल्यूम कितना है 1 m³। तो यहाँ से हमारा डेंसिटी क्या आ गया, 1000 kg/m³, ये हमारा आयरन का आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉटन का निकालते हैं, तो कॉटन की जगह क्या लिखें, मास बाय वॉल्यूम, मास कितना है यहाँ पे 50 kg/m³। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, डेंसिटी बराबर 50 kg/m³। तो डेंसिटी का मतलब यही है, जब भी किसी दो एलिमेंट को, यानी दो ऑब्जेक्ट को सेम साइज में रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा सेम कंटेनर था, यहाँ पे आयरन था और इसके अंदर हमारा कॉटन था, तो दोनों सेम कंटेनर यानी सेम साइज के कंटेनर में रखने के बाद भी हमारे क्या है, यहाँ पे मास में अलग अलग चेंजिंग आ रहा है। इसका 1000 kg है, इसका हमारा 50 kg है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब यही है कि 1 m³ के वॉल्यूम में, ठीक है, 1 m³ वॉल्यूम मतलब हमारा यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो भी हमारा मास आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, वही उसका डेंसिटी होता है। इसीलिए आयरन का हमेशा डेंसिटी ज़्यादा है, 1000 kg/m³, और कॉटन का जो डेंसिटी होगा हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास 3 कंटेनर है सेम साइज का, ए बी सी, इमेजिन कर लीजिए एक क्यूब टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूब बनाया था वही हमारा यहाँ पे कंटेनर है 3 तरह का। इसमें हमारा है मिल्क, इसमें हमारा है पेट्रोल, इसमें हमारा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेट कीजिएगा इन तीनों कंटेनर का, तो तीनों कंटेनर का जो वेट होगा अलग अलग होगा, ठीक है। इसका वेट मान लेते हैं 1000 kg है, इसका मान लेते हैं 750 kg है, और इसका वेट मान लेते हैं 900 है, ठीक है। और यहाँ पे मान नहीं रहा हूँ, अगर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो ऐसा रियल में होता है, ठीक है। मिल्क का जो वेट होता है पेट्रोल और पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है और ये इससे ज़्यादा है। इसीलिए अभी ये लिक्विड है एक तरीके से, मिल्क पेट्रोल और वाटर ये तीनों लिक्विड है आपस में, इसीलिए लिक्विड को हम लोग कभी भी केजी में नहीं बेचते हैं, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाइएगा, कोई भी सरसों तेल ही लेना होगा, तो वो हमेशा आपको लीटर में ही देगा, ठीक है। लीटर में देने से फ़ायदा क्या होता है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हमारा वेट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप लिक्विड को केजी में बेचिएगा, जैसे अगर आप 1 kg तेल बेचते हैं तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप दूध बेच रहे हैं केजी से, तब तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि दूध हमारा भारी है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप पेट्रोल बेचिएगा केजी से, तो ये आपको लॉस कर देगा, ठीक
ठीक है, इसमें आप लॉस चले जाइएगा। वही अगर आप पानी बेचते हैं तो पानी का भी वही है, यहाँ पे वजन कम है एज कम्पेयर टू मिल्क, तो इसके चलते आपको हानि पहुँचेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिक्विड को हमेशा लीटर में नापते हैं। ठीक है, लीटर में नापने का मतलब वॉल्यूम में, वॉल्यूम हमेशा हमारा क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो पानी हो या फिर हमारा पेट्रोल हो या फिर हमारा मिल्क हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं ये एक बहुत ही यंग आदमी है और इसका वेट है 65 kg। तो अगर आप इस इंसान के सर के ऊपर 40 kg का वेट रख देते हैं या फिर 50 kg का वेट रख देते हैं, तो ये इस वेट को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजी वे में ले जा सकता है। लेकिन वही इसके सर के ऊपर अगर आपने 65 kg का वेट रख दिया या फिर 70 kg का वेट रख दिया, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा या फिर ये ले ही नहीं जा पाएगा। तो ठीक इसी तरीके से पानी के साथ भी ऐसा ही होता है। पानी का जो डेंसिटी होता है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पानी का डेंसिटी हमारा 1 kg/m³। और अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो दो ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, यानी मान लेते हैं ये मेरे पास एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो इस ग्लास में वही चीज़ तैरेगा जिसका डेंसिटी पानी से कम होगा। तो डेंसिटी को हम लोग अभी कंपेयर कर रहे थे, तो हमेशा क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब डेंसिटी बराबर क्या था, अभी हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा हमारा, ये भी हमारा 1 m³ ही होना चाहिए, ये भी हमारा 1 m³ ही होना चाहिए, यानी हमारे इस सिचुएशन में वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने बताया था आयरन और कॉटन को लेकर के, तो यहाँ पे जो डेंसिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि इस पानी में वही चीज़ तैरेगा जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा। ठीक है, यानी पानी का अगर डेंसिटी 1 kg/m³ है, तो इसमें वही चीज़ तैरेगा जिसका डेंसिटी 0.9 kg/m³ होगा या फिर इससे कम होगा। 0.7 भी तैरेगा, 0.8 भी तैरेगा, 0.6 भी तैरेगा। ठीक है, लेकिन वही इससे ऊपर हुआ यानी 1 से अधिक वाला जो डेंसिटी अगर आएगा इसमें, तो ये डूब जाएगा सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि इसको भार को उठा नहीं पाएगा, सेम इस इंसान की तरह, क्योंकि इस इंसान के ऊपर अगर आप ज़्यादा भार दे दीजिएगा तो ये उठा नहीं पाएगा, वहीं पर ये एक तरीके से नीचे दब जाएगा। तो यही चीज़ होता है हमारा पानी के साथ भी। डेंसिटी कहने का मतलब एक तरीके से मास, क्योंकि वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोनों सिचुएशन में। तो ये कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का, मे बी आपको समझ में आया। चलिए, तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक है तो इसमें मुझे समझाने में अच्छा नहीं लग रहा है। और कल से मैं वीडियो अपलोड करूँगा आर के राजपूत से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हम लोग का, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।